पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है, बिना नौकरी की डिग्री किसका? अपनी मेहनत की राशि के लिए भटक रहा लिपिक ग्राम पंचायत बिसोनी में किया था कार्य। जनपद पंचायत लांजी अंतर्गत ग्राम पंचायत बिसोनी निवासी राजेंद्र चेहरे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि ग्राम पंचायत बिसोनी में मेरी नियुक्ति लिपिक पद पर विधिवत तरीके से हुई थी तथा ग्राम सभा दिनांक 13 अगस्त 2017 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया था तथा मुझे दैनिक मजदूरी दर पर समस्त कर वसूली का प्रभार सौंपा गया था। समस्त कार्य सरपंच सचिव व रोजगार सहायक सचिव के मार्गदर्शन पर नियुक्ति दिनांक से वर्तमान तक की वसूली राशियों का दिनांक टोटल कर लिया गया एवं समस्त राशि मेरे द्वारा सेंट्रल बैंक के खाते में जमा कर दी गई है, जिसका हिसाब मेरे द्वारा पंचायत ग्राम सभाओं में प्रस्ताव पारित कर कराया गया है। दिए गए हिसाब की सूची में सरपंच सचिव रोजगार सहायक के द्वारा टैक्स की राशियों में हेराफेरी वित्तीय अनियमितता के करने का हवाला दिया गया है तथा जो राशि इनके द्वारा गबन की गई है इसका कोई हिसाब न देकर डिमांड पंजी में दर्ज नहीं किया गया है। इनकी इस करतूतों का पर्दाफाश व जांच करने उच्च अधिकारियों को मजदूरी की राशि भुगतान करने की शिकायत मेरे द्वारा प्रेषित की गई थी तथा जांच अधिकारी के द्वारा वास्तविकता न जांच कर पंचायत के कर्मचारियों का साथ न देकर गोपनीय तौर पर मुझे पद से हटाया गया, जिसकी सूचना इनके द्वारा मुझे नहीं दी गई तथा जिला पंचायत बालाघाट को इनके द्वारा फर्जी जांच प्रतिवेदन पेश किया गया। राजेंद्र चेहरे के द्वारा यह भी बताया गया कि जनपद पंचायत लांजी के अधिकारी व ग्राम पंचायत के कर्मचारी राशि भुगतान के कारण और उच्च अधिकारियों के समक्ष इनके गबन का खुलासा करने की वजह से बौखलाहट में आकर रंजिशवश मुझे लिपिक के पद से हटाकर मेरी मजदूरी राशि का भुगतान नहीं करके राजेंद्र चेहरे अपनी मजदूरी की राशि प्राप्त करने के लिए भटक रहे हैं, जबकि मेरे कार्य से प्रभावित होकर ग्राम पंचायत ने लिपिक पद पर स्थायी नियुक्ति करने हेतु जनपद पंचायत लांजी और जिला पंचायत बालाघाट को कार्यवाही हेतु कार्यालय पत्र प्रेषित किया जा चुका है। शासकीय राशि का उपयोग सरपंच सचिव व रोजगार सहायक ने अपने निजी कार्य में किया उपयोग। ग्राम पंचायत बिसोनी के सरपंच पति राजेश बड़गैया व सचिव डोलेंद्र कंगाले तथा रोजगार सहायक मिथिलेश यादव ने मेरे वसूले गए मकान टैक्स की राशि से मुझसे राशि लेकर अपने खुद के कामों में उपयोग किया तथा इनके द्वारा सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र बिसोनी में लग रहे सामान की खरीदी के लिए भी मकान टैक्स की वसूली की राशि का उपयोग इनके द्वारा मुझसे राशि लेकर किया गया तथा इस राशि की भरपाई इनके द्वारा किसी और मद की राशि से की गई तथा इन्होंने जो राशि स्वयं के खर्चे के लिए मुझसे लिए थे वह मुझे इनके द्वारा बाद में चेक देकर व नगद राशि देकर लौटाया गया, जिसको मेरे द्वारा बैंक में जमा किया गया। इनके द्वारा शासन की राशि का अपने स्वयं के लिए उपयोग में लाना भी जांच का विषय है। MPC 24 न्यूज एक्सप्रेस के लिए लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार चौधरी। कहाँ के निवासी? बिसोनी। आप पे जो ये आरोप लगाए गए हैं सचिव के द्वारा कि मकान टैक्स को लेकर के कि राशि जमा नहीं की गई, क्या है पूरा मामला? मेरे द्वारा इनने जो आरोप मेरे पे जो इनने आरोप लगाए हैं वो गलत आरोप लगाए हैं, जबकि जब से नियुक्ति किए इनने और प्रभार सौंपे तब से मैं लगातार ग्राम पंचायत में उपस्थित होकर इनको हर वसूली का हिसाब देते रहा और बैंक में राशि जमा करके पावती लेते रहा। इनने जो आरोप लगाए वो गलत है। अच्छा, तो पूरा मामला क्या है भाई? पूरा मामला ऐसा है कि मैं जो राशि वसूल करता था तो बैंक में जमा करने के बाद जो राशि मेरे पास में रहती थी वसूली की, उनने जबरन मेरे से दबाव डाल के मेरे से वसूल करते थे। और क्यों वसूल करते थे? यानी मांगते थे वो लोग और नहीं देने पर लोग क्या है मुझे मुझ पर दबाव डालकर वो लोग तेरे को हटा देंगे, ऐसा कर देंगे करके वो दबाव डाल के
मेरे से राशि लेते थे और उसका गलत फायदा उठाते थे अपने उपयोग के लिए। कुछ राशि ली गई और कुछ पंचायत में अपने स्वयं के खर्चे के लिए उपयोग में लाए हैं। अब उस राशि का हिसाब अभी तक नहीं दिया जा रहा है। किस किस ने राशि लिया आपसे? सचिव ने लिया, सहायक सचिव ने लिया, सरपंच ने लिया, सरपंच पति ने लिया, ये सभी लोगों ने पैसा मुझसे लिए। फिर वो पैसे लौटाए गए कि नहीं आपको? वो पैसे सहायक सचिव ने और सरपंच ससुर ने पंचायत में दूसरे मत से मैं घोटाला करके वो राशि मुझे लौटा है, और बाकी जो राशि अभी तक लौटा है ना उसका कोई हिसाब नहीं। सरपंच ससुर का नाम क्या है? बारेलाल बड़गैया। और सरपंच पति का? सरपंच पति का नाम राजेश बड़गैया। और रोजगार सहायक कौन है? मिथिलेश यादव। यानी इनके द्वारा आपसे अपने स्वयं के फायदे के लिए राशि ली गई जी, और उसको जमा नहीं की गई। उसने 43,000 कुछ रुपया मुझे सभी के यादव के सहायक सचिव के मैंने जो ली गई थी राशि, ली गई राशि कुछ पंचायत में खर्च किया छोट मोट कार्य के लिए और व्यक्तिगत जेब खर्चे के लिए। उनने पंचायत में किस काम के लिए राशि खर्च की गई है? पंचायत के जैसे छोटे छोटे कार्य निकलते हैं उसके लिए राशि ली गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 6,00,000 मरम्मत के लिए 6,00,000 कुछ रुपया आया था, फिर भी इनने 10,000 और ऐसे बहुत सी राशि मेरे से ली है। और उस राशि को यादव ने वही से मेंटेनेंस करके मुझे 43,000 रुपये दिया जो मैंने बैंक में जमा किया। बाकी जो राशि है वो अभी तक जमा नहीं किया और उसका कोई हिसाब नहीं दे रहा है। मेरे नियुक्त होने के उपरांत भी इन लोगों ने सहायक सचिव और सचिव ने वसूली करके पैसे का गबन कर लिया है। आपकी नियुक्ति कब, नियुक्त क्या कब किया गया था आपको वसूली के लिए? अगस्त 2017 में। प्रस्ताव हुआ था कैसे? प्रस्ताव सर्वसम्मति से ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किया गया। कितने साल वसूली किया आपने? आज वर्तमान तक मेरी वसूली चालू है। तो आपका किस आधार पे आपको नियुक्ति किए थे? मजदूरी दर पर यानी मुझे नियुक्त किया। कौन सी मजदूरी दर? मनरेगा? मनरेगा नहीं, उन्हें दैनिक मजदूरी दर पर। अच्छा, जो चल रही है पंचायत में? पंचायत उस दर पे यानी उन्हें नियुक्त किए। तो आप क्या चाहते हैं शासन से? मैं शासन से यही चाहता हूँ कि जो मैंने मेहनत किया कार्य किया उसका मुझे भुगतान चाहिए। आपका भुगतान कितना बन रहा है मजदूरी का जो किए हैं आपने? अब चार नियुक्ति दिनांक से अभी वर्तमान दिनांक तक 1 भी रुपया मुझे भुगतान नहीं किया गया। अब कितना बन रहा है वो तो टोटल करने के बाद ही पता चलेगा।